रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में, तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। दोस्तों सूचनाएं मिलती रहती हैं, आना जाना पड़ता है, तो कोई परिवार है, बड़ा सा परिवार है, और इसके अंदर खुशियां भी उसी प्रकार से बड़ी हो सकती हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं निकाल के फटाफट के अंदाज में कि सांप कौन सा है। लेते हैं 2 मिनट का वक्त, नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्लीज कम ऑन, आइए देखते हैं सांप कौन सा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पर अनाज, और अनाज को खाने के लिए चूहा अक्सर हमारे घरों में आते रहते हैं, तो चूहा को खाने के लिए सांप भी आ जाते हैं। ठंडक का महीना था और जा चुका है, निकालते हैं आपको फटाफट दिखाते हैं। तो ये थोड़ी सी उपली है, और इस उपली में आप देख सकते हैं, अच्छा सारी उपली आप लोग निकाल चुके थे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा कहते हैं। जब भी इसे आप अपने हाथों से टच करेंगे तो ये बाइट किसी को भी कर सकता है। जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होता है, चोक चाक होता है, तभी जाकर के किसी को खतरा पहुंचाता है। तो चलिए और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, नर और मादा यानी कि नाग और नागिन दोनों एक साथ देखने को मिले हैं। ये स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। अब आप देख लीजिए कि भरा पूरा परिवार है और इतने घर के अंदर, काफी अंदर आकर के दो खतरनाक सांप कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा पहली बार देखने को मिला है, नर और मादा यानी कि कोबरा सांप, इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं और इसी को नाग कहते हैं। और अब ये बाहर की तरफ निकलना चाहता है, सिर्फ थोड़ा और बाहर हर जगह खाली कर दीजिए, जगह कैसे ले जाएंगे जब सब लोग यहीं खड़े रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई और अब इसे हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होगा तभी जाकर कि किसी को ये बाइट करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये छेड़छाड़ के बाद ही किसी को बाइट करने की फिराक में रहता है, यानी कि ये मादा है और ये ऐसा मंजर पहली बार देखने को मिला है। तो दोस्तों अपनी ये तकरीबन 4 फीट की इनकी लंबाई होती है, जरा सी जगह पाते हैं तो ये दूसरे तल पे भी चढ़ जाते हैं, और उपली को अगर गलती से ऊपर रखा गया है तो ये ऊपर भी चढ़ जाते हैं। और जैसे इनके साथ छेड़छाड़ होता है घर में, उपली लोग रखते हैं। भैया थोड़ा शांति बनाए आप लोग, तो अक्सर आए दिन उपली निकालने के चक्कर में बहुत सी सारी मौतें होती रहती हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर में उपली रखते हैं तो उपली को निकालने के लिए, ए बच्चों शांत रहो यार, दोस्तों अगर आप घर में उपली रखते हैं तो उपली को निकालने के लिए पहले डंडे का प्रयोग करें, डंडे से ही उपली को निकालें, नहीं तो ऐसा खतरनाक जीव यानी कि काला नाग आपको डस सकता है और आपकी खुशियों को गम में बदल सकता है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में ये काम एक एक्सपर्ट के लिए ही है, सिर्फ आप लोग बोलिए नहीं तो बड़ी कृपा होगी। चलिए बाहर चलिए, बोलिए। दोस्तों हम देख सकते हैं ऐसा मंजर पहली बार देखने मिला है, नर और मादा यानी कि नाग और नागिन एक साथ। दोस्तों ऐसा पहली बार देखने को मिला है और जल्दी मिलता ही नहीं है। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों
ठंडक के महीने में इनकी थोड़ी ठंडक भी अधिक लगती है और इनको जो है गर्मी भी बहुत लगती है, तो ऐसे में उपली काफ़ी ठंडक रहता है गर्मी के लिए, उसी में अक्सर छिप करके रहते हैं। दोस्तों इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स वेनम पाए जाते हैं और जैसे ही अगर ये सांप आपको बाइट करता है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। इसके काटने के बाद कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। चलिए दोस्तों इसको भी पैक करते हैं, ये मादा है। चलिए दोस्तों इसे हम पैक कर देते हैं और वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए। चलिए इसको भी पैक कर दिए हैं और इसमें ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।